नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल सरिता जोशी ब्लॉग में। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। सो आप सब लोगों को आज नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ चंद्र घंटा जी का आशीर्वाद हम सब पर और आप सब पर बना रहे, ये प्रार्थना करती हूँ। बाकी एज़ यूजुअल मैं हूँ अभी छत में, कपड़े सुखाने आई थी नहा धो के, और मंदिर के कपड़े भी देख रहे होंगे आप पीछे सूख रहे हैं। तो दोस्तों, धूप बड़ी अच्छी आई हुई है, आप देख रहे हो, गर्मी भी हो रही है। एंड नहा धो के मैं छत मार रही हूँ अभी, कपड़े वपड़े सुखा दिए, तो मैंने सोचा कि व्लॉग की शुरुआत भी कर लूँ, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलता ना। और एक तो एक कारण और है छत में शुरू करने का कि यहाँ पे जो है फेस क्लियर आता है, एक तो क्लियरिटी आती है, तो मुझे सही लगता है यहाँ पे व्लॉग शुरू करना। बाकी व्लॉग शुरू मैंने कर दिया है। नवरात्रे चल रहे हैं आजकल, आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं मुझे बताना। जो जो भी नए लोग मुझसे जुड़े हुए हैं आजकल में, कुछ नए सब्सक्राइबर बढ़े हुए हैं, तो आपका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, मुझसे जुड़ने के लिए। और आप लोग ज़रूर मुझे कॉमेंट करके बताइएगा कि मेरी वीडियोज़ आपको कैसी लग रही है। कुछ भी अगर त्रुटियाँ उसमें हैं तो आप मुझे सजेशन भी दे सकते हो कि आप ये करिए, तो आपकी राय का वेलकम है, आपकी सजेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। और कमेंट करने से चूकेगा नहीं, जो भी आपके दिल में आता है ज़रूर मुझे कमेंट करिएगा। आप वीडियो को लाइक करें ना करें, बट एक कमेंट ज़रूर छोड़ दीजिएगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे कमेंट पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है। बाकी मैंने आज पहना है रेड सूट एंड क्या बोलते हैं इसको, ऑरेंज कलर के पैजामे हैं ये। दोस्तों, जब मैं मतलब मेरी शादी भी नहीं हुई थी तब सिलवाया था ये सूट, शादी के लिए सिलवाया था, मतलब शादी के बाद पहनते करके तब के लिए सिलवाया था। तो तब बहुत ढीला ढाला सिला था ये, कि मतलब बाद में मैं मोटी हो जाऊँगी क्या पता, मुझे बिंदी थोड़ा साइड हो रही है। तो मतलब ये तब किसी मम्मी ने कहा था कि ढीला ही सिलवा दो, बाद में मोटी हो गई, तो मुझे तो उम्मीद नहीं थी मोटी हो पाऊँगी, बट थोड़ा सा मोटी हो रही थी थोड़ा सा, क्योंकि तब ये बहुत ज़्यादा ढीला आया था। अब थोड़ा ठीक आने लग गया है, ढीला तो अभी भी हो रहा है, बट अब ठीक आने लग गया, मतलब कंफर्टेबल है। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी मिलती हूँ आप लोगों से। इतना थोड़ा मैं आपको बताना चाह रही थी अपने बारे में, बाकी मिलते रहूँगे आपसे आगे, मेरे साथ बने रहिएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे दोस्तों बिना म्यूज़िक के मेरी रील बनने की तैयारी हो रही है, वैसे ही मुझे छींक आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर बिना म्यूज़िक के रील बना रही थी, ऐसी देखे आ गए आप। धरती गगन में होती है तेरी जय जयकार, मैया ऊंचे भवन में होती है तेरी जय जयकार, दुनिया तू मेरी पुकारा मैया हट काली का, सुन ले तू मेरी पुकारा मैया हट काली का, मेरे मन की होली मैया पायल दिनू लो, मेरे मन की हो देन है जय माता गौरी अम्बा तू देन है जय। रुक चले का अब ना कोई बहाना, मोरी को होगा अब साजन के घर जान, माथे की बिंदिया क्यों बोले है सुन 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 सुन, साजन के घर साजन जी बहन क्यों शर्माई साजन जी घर। थैंक यू। तो दोस्तों यहाँ पे बनने चने की दाल के डुबके बहुत ही टेस्टी हुए थे, और ये यहाँ पे उसको बनाने से पहले मैंने थोड़े से बड़े जैसे बना दिए थे, मतलब पकौड़ी टाइप की चने की दाल की, ये भी बहुत क्रिस्पी और अच्छी हो रही थी। थोड़े से बनाए बस टेस्ट के लिए, उसके बाद जो ज़्यादा तेल हो रहा था उसको मैंने निकाल लिया और फिर बनाई डुबके। और डुबके की रेसिपी अगर आपको देखनी है तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, शॉर्ट्स में डालूंगी उसको ज़रूर देखना, और इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट डे का वीडियो आप देखिए। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, और मैं भी एकदम अच्छी हूँ। पीछे बाल्टी देख रहे हो, तो मैं कपड़े सुखाने आई हूँ एज़ यूजुअल छत में। एंड आज धूप नहीं है, तो चेंज है मौसम में, तो मौसम में थोड़ा चेंज है और बारिश आई हुई है कल रात से बहुत तेज़, वो भी अभी तो थोड़ा रुकी हुई है, तो मैंने कहा कपड़े तो डाल ही देती हूँ करके, सूखेंगे नहीं सूखेंगे बात अलग है। ठीक है, कपड़े मैंने सुखा दिए हैं और मौसम का हाल आप देख ही रहे हो कि ऊपर बादल देख सकते हो आप, हल्का हल्का साफ भी है और बादल भी आ रखे हैं। ठीक है, तो दोस्तों कल का व्लॉग मैं पूरा कंटिन्यू नहीं कर पाई, क्योंकि रात को मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, सर दर्द हो गया था बहुत ख़तरनाक वाला। ठीक है, तो मैंने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया था, कल का व्लॉग ऐसे ही था। आज मैं उस व्लॉग को कंटिन्यू करूँगी, तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ठीक है, कपड़े भी मैंने उठा लिए और
बारिश के बाद बहुत अच्छा लग रहा है उधर को, पेड़ों पे नए नए कोपले आने स्टार्ट हो गए हैं। और मैं भजन कीर्तन में आज भी नहीं गई क्योंकि तबीयत ख़राब हो रही थी, मैंने बताया ना आपको कल सर में दर्द हो रहा था, हल्का हल्का बुखार भी है पेट में, तो फिर मन नहीं किया मेरे जाने का। ठीक, बाकी हमारे साथ है अभी शिवांश, सुबह हाय बोलो। हाय क्यों, हेलो बोलो, हेलो गाइज बोलो, कैसे हो, कैसे हो? मैं तो एकदम बढ़िया हूँ। और मैं क्या खा रहा हूँ? चॉकलेट, मैं खा रहा हूँ चॉकलेट, शिवांश चॉकलेट खा रहा है दोस्तों। और उसकी मम्मी है पीछे, ये देखो कह रही मुझे मत दिखाना। चलेगी उधर को। ठीक, सो गाइस मैं आपको क्या दिखाऊँ, और मैं आपको थोड़ा बैक व्यू दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, पीछे आप लोग देख रहे हो गेहूं हो रहे हैं, और दूसरे खेत में पूरे गेहूं लटक गए हैं एक साइड को, ये बारिश वारिश हुई ना बहुत तेज आंधी आई उस वजह से। यहाँ को देखो पेड़ पे पूरे कोंपले आने स्टार्ट हो गए, हरा भरा हो गया है। दोस्तों मैं गोभी की सब्जी काट रही हूँ, पत्ता गोभी, और गाजर भी काटूंगी इसमें, और चटपटी इतनी सारी तो नहीं मैं इसमें डाल दूंगी, दो एक दो मिर्च फ्रेश फ्रेश है बिल्कुल। तो दूध लेने के लिए जा रहे हैं, ये रही दो कमंडल, और ये रही शिव की मम्मी, और शिव आगे चल रहे हैं। ठीक है, दूध लेके आते हैं चलो। तो ये मंदिर है, यहाँ से ना प्रसाद मिला था तो हमको भी मिल गया, देखो प्रसाद गुड़ वाला है, ये टेस्टी हो रहा है ना। हाँ। शिव कैसा हो रहा है, शिवांश कैसा हो रहा है, लड्डू अच्छा हो रहा है? अब मैं सामने आपको दिखाती हूँ सूरज देवता जी के, देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, अभी इसमें दिख नहीं रहे ना दूर से, पूरे गोल लग रहे हैं, सनसेट हो रहा है।